मानता है। यहाँ तक कि चाइना का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि ये जो चालीदार टोपी और ये जो चुटकी दाढ़ी रखे हो और चटाई जो हाथ में लिए हुए हो ये रख दो और अभी का नमाज पढ़ लो और उसके बाद फिर रिहाब में सीधा जाओ, जब तक इस्लाम का भूत सर से नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे। हाँ, अगर यही अनाज किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान भेजा तो शायद मैं पार्टी चाहूं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह के भरोसे चलेगा। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगा हुआ है और प्रॉफिट मोहम्मद के आप लोग फॉलोअर नहीं है मानता है। और यहाँ तक कि चाइना का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि ये जो चालीदार टोपी और ये जो चुटकी दाढ़ी रखे हो और चटाई जो हाथ में लिए हुए हो ये रख दो और अभी का नमाज पढ़ लो और उसके बाद फिर रिहाब में सीधा जाओ, जब तक इस्लाम का भूत सर से नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे। और 2027 तक का टारगेट चाइना ने दिया है कि चाइना में एक भी मस्जिदें नजर नहीं आएंगी। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अब आती है बात भारत की। देखिए, भारत तो बहुत खूबसूरत है, हम संस्कृति से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में पहले शांति होती है और जब शांति कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब क्रांति आती है, तब हम क्रांति लेकर आते हैं। कि आपके इस्लामिक प्रीचर ने एक 14 साल 7 महीने के लड़के का पजामा क्यों खोल करके आने लगा? क्या आप मुझे दूसरी बात बताइए, क्या मुसलमान मर्द का काम पजामा खोलना ही है, या चाहे वो औरत का हो चाहे वो मर्द का? क्योंकि करते वो वही है, करते वो वही है। अगर हाफिज सईद ने बम बारूद दे दिया तो वो उसको फेंकते हुए नजर आएगा, अगर उसको दाऊद इब्राहिम ने तलवार दे दिया तो वो तलवार से लड़ते हुए नजर आएगा मुसलमान मर्द, और नहीं तो फिर एक औजार पैंट के जिप के अंदर रहता है, उस औजार को चलाते हुए नजर आता है मुसलमान मर्द। इसके अलावा मुसलमान मर्द करता क्या? इसके अलावा तो मुसलमान मर्दों का कोई काम ही नहीं है। आपके यहाँ इतना मुबारक महीना, पूरी दुनिया में रमजान चल रहा है, कहा जाता है कि रमजान में शैतान बंद हो जाते हैं, पर देखिए प्रिया अगवा हो गई, पर देखिए 2 दिन पहले एक 14 साल 7 महीने के बच्चे का के साथ एक इस्लामिक प्रीचर ने एनल सेक्स कर लिया मस्जिद के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक आदत हो गई है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए। आप लोग 2 साल 3 साल पहले तक अफगानिस्तान पर मीम बनाया करते थे, अफगानिस्तान के लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, आज अफगानिस्तान आपसे कोसों दूर आगे निकल चुका है, कोसों दूर, आप उसको छू भी नहीं सकते। पाकिस्तान किस में उलझा हुआ है? कच्चे बनाने में, अंडरवियर बनाने में। आपकी यहाँ मैट्रेस तो कच्चे की ही है, अरे कोई कितना कच्चा आपसे खरीदेगा, कितना अंडरवियर खरीदेगा, वो भी आप चाइना का लोगो लगा करके बेचते हो। चाइना का माल ऐसे भी मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाइना का बॉटल से लेकर के कच्चे तक लोग विश्वास नहीं करते हैं कि कब फट जाएगा, कब औजार बाहर निकल जाएगा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल आपसे भी करने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में ना मर्द की कमी है। क्योंकि जो प्रॉपर मर्द होते हैं, जो प्रॉपर मर्द होते हैं, वो सबसे पहले तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, जो प्योर मर्द होते हैं वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, वो महिलाओं को अपने सरमत्ते बिठाते हैं। दूसरा कि वो अपने देश की तरक्की में अपने घर और परिवार की तरक्की ढूंढते हैं। और जिस हिसाब से आप लोगों के पब्लिक रिएक्शन की एक आध क्लिपिंग हमारे सामने आ जाती है और जो मर्द इस तरह से बात करते हैं, अरे भारत क्या कर लेगा, साइंस तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना, चांद पे चला गया तो, अरे हम तो यहाँ पर बहुत है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। No.